साथ में एम्स मिल गया, रेवाड़ी को नहीं मिला। क्या चीज? एम्स नहीं, अभी एम्स की निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। अभी कोई हफ्ता भर पहले मेरे पास अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब का पत्र आया था, जेपी नड्डा साहब का, कि भी हम एक्टिवली इसको कंसिडर कर रहे हैं और मेरे को उम्मीद है कि वो ये हमारा हल होगा। एक बावल में आज आपको जनसभा करने से उद्घाटन करना था, बावल में जिस तरह से बच्चे लापता है, विरोध? वो हमारे डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगा दी गई। नहीं, विरोध तो खैर मतलब हम लोगों को समझाने की बात है, ऐसी कोई विरोध की बात नहीं है। हमारा जींद के अंदर बाय इलेक्शन हो रहा है और हमारे जो मंत्री हैं बावल से, डॉक्टर बनवारी लाल, उनकी पार्टी की तरफ से जींद के अंदर ड्यूटी लग गई आज की, तो इसलिए वो वहाँ पर चले गए और हमने इसको पोस्टपोन किया है, कैंसिल नहीं किया है। जब ये इलेक्शन संपन्न हो जाएगा जींद वाला, उसके बाद उसका उद्घाटन करेंगे। इसका जो चुनाव परिणाम आएगा, लगता है कि कहीं ना कहीं अगली दिशा तय करेगा विधानसभा की? देखो, बड़ा महत्वपूर्ण इलेक्शन है जींद का, सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपना वर्चस्व इसके अंदर दिखा पाएँ और जो भी पार्टी जीत हासिल करेगी, मैं तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा ही अगले लोकसभा चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। देखो, हम कॉलेज के अंदर तो कर ही रहे हैं, कई सालों के बाद खेल की प्रतियोगिता इस साल शुरू करी गई है और हर साल ये होती रहेगी, इस तरह का हमारे को विश्वास है। और जहाँ कॉलेज की बात कर रहे हैं, वहाँ देश के अंदर भी मैं समझता हूँ भारत सरकार की नीति है कि इस देश को इसकी जनसंख्या के मुताबिक विश्व के चित्र के ऊपर एक स्पॉटिंग नेशन के तौर के ऊपर तैयार किया जाए। और अगर कोई भी चीज़ हम लेते हैं, कोई संकल्प लेते हैं, तो एक रात के अंदर या एक साल के अंदर पूरा नहीं हो सकता। हमने लक्ष्य रखा है आज से 2 ओलंपिक बाद का, यानी कि 2020 के अंदर ओलंपिक होगा जापान के अंदर, उसके बाद 2024 के अंदर ओलंपिक होगा और उसके 4 साल के बाद 2028 के अंदर ओलंपिक होगा। तो खेलो इंडिया की नीति के मार्फत भारत सरकार की तरफ से प्रोत्साहित लोगों को करने के बाद 2028 के अंदर हम ये उम्मीद रखते हैं कि भारतवर्ष एक स्पोर्टिंग नेशन के तौर के ऊपर खिताब प्राप्त कर पाएगा। विशेष ध्यान दिया जाएगा हॉकी पे, जैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं, सभी खेलों पे। हमारे पास जो हमारी देश की उपलब्धियां हैं, जैसे आपने देखा है एथलेटिक्स के अंदर भी हमने कुछ हासिल किया है, लेकिन ज़्यादा बॉक्सिंग के अंदर किया है, हमने क्रिकेट के अंदर किया है। इस तरह के जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के खेल होते हैं, जैसे शूटिंग होती है, जैसे सेलिंग होती है, ये सारी चीज़ इस खेल प्रतिकरण के अंदर आती हैं। तो जहाँ जहाँ हम एक्सीलेंट हासिल कर सकते हैं, उन सभी स्पोर्ट्स को तवज्जो दी जाएगी, प्रायोरिटाइज किया जाएगा और सबसे ज़्यादा प्रयास ये किया जाएगा कि जहाँ पर आई हैंड कोऑर्डिनेशन के मार्फत हिंदुस्तान अव्वल आ सकता है, उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। जम्मू कश्मीर